नमस्कार निरुमा। हाँ बोलिए। मैं 36 साल का हूँ, मैं बीमार हो गया था, पथारी में अभी हूँ। पथारी में लेटे लेटे मेरे गुजरे हुए दिन मेरे को याद आता है। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं आत्मा में रहूँ और सदा आनंद में रहूँ। मेरे को क्या करना चाहिए? जो याद आता है वो, उसका मतलब ये होता है कि वो प्रतिक्रमण करवा के धुलाने के लिए आता है। तो आप उनके लेटे लेटे प्रतिक्रमण कर दो, बिस्तर में लेटे लेटे प्रतिक्रमण कर दो, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा आप आत्मा में रह सकोगे और जल्दी मोक्ष में जा सकोगे। और दूसरी बात, जो इंसान मर जाता है उसके बाद जो धार्मिक क्रियाएँ करनी पड़ती है वो क्या सही है? ऐसा है तो हर एक किसी की मान्यता है, जो मानता है वो करता ही है। लेकिन और उसके पीछे जो मानता है, मान्यता है ना कि हम ये धार्मिक क्रियाएँ करेंगे तो वो जो मरने वाले को मिलेगा, वो बात गलत है। वो किसी को मिलता मिलता नहीं। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जो करता है वही भुगतता है, उसको ही मिलता है। आप करो और किसी और को मिले ऐसा नहीं होता है। आप खाओ और किसी और के पेट में जाए ऐसा नहीं होता है। तो ये एक व्यवस्था है कि बच्चे लोग आए तो अपने बुजुर्ग के पीछे करते हैं, ताकि दान धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं। तो वो मरेंगे तब उनके बेट बच्चे करेंगे, वो बच्चे मरेंगे तो उनके बच्चे करेंगे, ताकि ये एक सिलसिला चालू रखेगा दान धर्म करने का, पुण्य कमाने के लिए। बाकी जाता है वो तो गया, वहाँ आप हुंडी नहीं भेज सकते। नमस्कार नीरुमा, मैं दो एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ इसी संदर्भ में कि जैसे महाभारत में भी लिखा हुआ है कि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ और पांडवों ने जितने भी उनके रिश्तेदार थे, जो पितामह वगैरह थे, सबके तर्पण किए, ब्राह्मणों को दान दिया ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में मिले, और जब ये गांधारी कहती हैं कि मैं अपने पुत्रों को देखना चाहती हूँ क्योंकि वो युद्ध में मारे गए थे, तो उनको स्वर्ग मिला कि नहीं मिला, तो उन्होंने स्वर्ग में दिखाया, कृष्ण जी ने उनको दिखाया, तो ये स्वर्ग और नरक क्या है? क्या वहाँ आत्माएँ ऐसे जाती हैं? हाँ है ना, स्वर्ग नरक है। हाँ जरूर है, जैसा कर्म है उस हिसाब से फल मिलता है। मगर ऊपर ऐसे लोक हैं जिसका कहते हैं, जैसा हम दादा भगवान का भी पढ़ते हैं कि 14 लोक के स्वामी हैं, तो इसका मतलब ये 14 लोक डिफरेंट प्लेन्स है? हाँ प्लेन्स है, डिफरेंट प्लेन्स। अच्छा मैंने एक किताब, ऊपर के नीचे के साथ पाताल लोक कहते हैं, बीच में मध्य लोक है और ऊपर 6 जो है वो देव लोक कहते हैं। तो मतलब ये लोक हैं, तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उन लोकों में जाती है। बराबर। अच्छा मैंने एक किताब रिसेंटली पढ़ी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, वो किसी पारसी की लिखी हुई है, और उसमें लिखा है कि जब हम रात को सोते हैं, जब गहरी नींद में होती है, तो हमारी आत्मा उस समय जाकर जो हमने दिन में अच्छा या बुरा कर्म किया है वहाँ एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड है, कि ऐसी हमारी बही खातियाँ हैं जिनमें करोड़ों जन्मों के हमारे हिसाब लिखे हैं, और उसमें अपना सच्चाई से अपना लिख के आती है कि आज मैंने ये अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, और उसके अनुसार ही फिर हमारा अलग जीवन होता है। जब अगला जन्म लेते हैं तो उसके अनुसार होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस जन्म में जो हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, इन कर्मों का भुगतान हमको कितने जन्म तक करना पड़ता है? पहले तो ये जो नींद में आप जो कहती है ना, ये कुछ रियल बात नहीं है। नींद में भी आप कर्म नया बांधती है, और नींद स्वयं ही एक कर्म है, स्वप्न भी एक कर्म है, समझ में आया ना? तो क्योंकि अंदर अंदर सूक्ष्म में अंतस्करण सब चलते ही रहता है, नींद में भी तो स्थूल शरीर सोता है, तो उसमें ये जो कुछ कर्म लिखती है और मिटाती है ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिक्रमण से ही सब मिट सकता है। और ये जन्मों जन्म का तो इसका कोई ऐसा फिक्स कुछ नहीं है, लेकिन
ये जो कई जन्मों का हम इस जन्म में पाते हैं, उसका मतलब ये है कि इसका बैलेंस शीट आता है, जन्मों जन्म का बैलेंस शीट आता है, पुण्य पाप अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी कर्म है, कितने आपके भुगत गए कितने बाकी रहे, तो उसका बैलेंस शीट आते 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 बाकी पूरा चौपड़ा कुछ आता नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, होल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, लेकिन उसका बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी जो हमने कई जन्मों में कर्म किए हैं, कितने आप भुगतते हैं, कितने पेंडिंग रहते हैं, फिर खत्म करते हैं, नए पेंडिंग होते हैं, नए बांधते हैं, नए भुगतते हैं, नए, ये सब बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट है। ये चार्टर्ड अकाउंटों को इनको भी नहीं आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इसका हिसाब उनको नहीं समझेगा। मतलब कि वो आप उतने साल में उतना अपने कर्मों का हिसाब निपटाते, यही आप, हाँ वो जन्मों जन्म का आता है लेकिन बैलेंस शीट में आता है अकाउंटिंग के हिसाब से। और एक अभी अभी एक भाई साहब ने भी प्रश्न किया था कि मरने के बाद की जो विधियां हम लोग करते हैं, क्या जिनके लड़के ना हो तो उनकी विधियां तो कोई नहीं करेगा, तो क्या वो नरक में ही जाएंगे? नहीं, ये तो सब बातें हैं, वो चले गए, अभी बाद में विधि करते हैं, हाँ। जहाँ जाना है वहाँ तो चले गया, अभी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, हाउ कैन इट बी चेंज। तो ये जन्म उसी समय हो जाता है कि वो जिस तरह पंडित लोग कहते हैं कि 13वीं है, 14वीं है, 17वीं है, ये सब करवाते हैं, तो ये क्या सब बाद में होता है, उसके दूसरी जगह पैदा होने के बाद होता है? दैट मींस इट हैज नो इफेक्ट, जो मानते हैं वैसी इफेक्ट नहीं है। ठीक, जाने वाले को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ करने वाले को मिलता है, जो दान करता है, धारक जो बेटा है, बेटे बच्चे जो भी कोई वो करते हैं उनको इफेक्ट मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो है तो पंडित जी को मिलती है दान वाली इफेक्ट, बाकी जाने वाले को कुछ नहीं मिलता है, तो गया ऑन द स्पॉट उसका नेक्स्ट लाइफ। हमने बताया ना, एक पोल स्पर्म एंड ओवम के मीटिंग टाइम में एंटर होता है जीव का मरते समय, और दूसरा ये इधर एंटर हुआ तब ये दूसरा पोल यहाँ से छूटता है, गैप है ही नहीं, गैप है कहाँ रहेगा। वो कहते 12 दिन 13 दिन इसमें रहा प्रेतात्मा, नहीं वो कहता ना प्रेतात्मा तो बोलते नहीं, लेकिन ये जीवात्मा बोलते, जीव आ रहा, हाँ, वो बाहर से मतलब अपने इसमें रूप पे रहा, हाँ, शरीर के इर्द-गिर्द घूमता है, अंगूठा जितना रहता है न सब घूमता है, तब 12-13 दिन तक फिर चले जाता है अपने कर्म के करते। अरे पति इतना अंगूठा जितना रहता है तो कब से लोग ढूंढ निकालते थे अपने बाप दादा को, तो माइक्रोस्कोप से कितने वायरसेस ढूंढ निकालते हैं, तो अंगूठे जितने जीव को ढूंढने में कितनी देर लगेगी। अच्छा माँ, तो इसके अलावा एक और अभी अभी मन में प्रश्न आया कि हजारों करोड़ों आदमी दुनिया में हैं, तो ये इतनी आत्माएं हमेशा जन्म मरण के चक्कर में रहती हैं, तो फिर स्वर्ग में कौन जाती? वो तो पुण्य पाप का जो है अपना खुद खुद का हिसाब, इस हिसाब से सुपर ह्यूमन रहते हैं ना इस दुनिया में, कई कई बहुत कम रहते हैं, कहते हैं ना सुपर ह्यूमन है, आप 100 बार उसका बुरा करो जब उसकी बारी आई तो आपके लिए अच्छा ही करेगा वो, उसको सुपर ह्यूमन कहा गया है, तो वो स्वर्ग के लिए लायक है, ऐसे बहुत कम रेयर मिलेंगे आपको, लेकिन वो लायक है, कलयुग में नहीं ज़्यादा जाएंगे वो स्वर्ग में जाएगा। और जो ह्यूमन में कौन आ, कहते हैं इसमें ह्यूमैनिटी है, बहुत अच्छे मानव वो ह्यूमैनिटी वाले ह्यूमन में आएंगे, और कहते हैं ना जैसा जरा जाने दो जानवर जैसा है तो जानवर भी आएगा, अपने हक का नहीं अनहक का विषय भुगतने वाला नरक में जाता है विदाउट एनी इंटेंशन, सिर्फ कुछ चाहिए न, खुद अपने आनंद के लिए मौज मजाक के लिए लोगों को मार देता है, हिंसा करता है, वो नरक में जाएगा। नरक मींस अगला जीवन उसका ज़्यादा? नहीं नहीं, नरक यानी प्लेस ही है वो, उसका सब अलग ही है, और जो ये कोई कर्म ही नहीं बांधेगा, आप जैसे आपने ज्ञान लिया अभी कर्म नहीं बांध रहे हो, आ गया मैं रहकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सारे कर्म अभी आपके खत्म हो रहे, तो आप खत्म आपके सब खत्म हो जाएंगे, तो आप फिर मोक्ष में जाओगे। सच माँ, एक बात मैं आपके आगे कन्फेस करती हूँ, 2 साल हुए मुझे आपसे नाम लिया, दीक्षा ली, मेरे आउटलुक में इतना चेंज आया है कि मेरे अपने बच्चे हैं
जब वो कुछ ठीक कर रहे हैं या गलत करते हैं, मैं कहती हूँ ये शुद्ध आत्मा है, ये अपने कर्मों का हिसाब निपटा रहे हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक सांसारिक व्यवहार मैं अपने जीवन का पूरा कर रही हूँ, ये मेरे अंदर अब फीलिंग हमेशा ही रहती है और वही अपने पड़ोसियों के प्रति भी रहती है कि आई मे बी ऑफ सम हेल्प टू देम बट आई हैव नो राइट टू इंटरफियर इन देयर अफेयर्स. दिस फीलिंग हैज कम सो स्ट्रांगली इन मी, आई कांट टेल यू माँ. और इसके लिए मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ. और जो मैं दादा की किताब पढ़ती हूँ उससे मेरे अंदर भावों में जो परिवर्तन है, मेरी अप्रोच में जो परिवर्तन है, वो मैं आपको कह नहीं सकती. बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू. माँ, जो ये अस्थि विसर्जन करते हैं और तर्पण करते हैं और जो पिंड दान कराते हैं, तो ये सब क्या है? क्या ये ढकोसला है? अस्थि विसर्जन की क्या बात है कि ये सब डिस्पोजल ऑफ दिस विस थिंग्स. बाकी तो आपके शरीर में क्या है, लोही है, मांस है, खून है, मांस है, ये सब तो जल जाता है. अस्थि नहीं जलती है, वो रख, वो उसकी राख नहीं होती है, उसको डिस्पोज तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो सब इधर उधर सारी कितने सारे अस्थियाँ रोड पे भी इधर उधर घूमती रहेगी. अच्छा. तो उसको डिस्पोज, वे ऑफ डिस्पोजल है, वो करने के लिए भी सब क्रियाएँ बताई हैं. बाकी उसमें और कुछ कुछ धर्म धर्म से और उसका कुछ मिलता है वैसा कुछ नहीं है, ऐसा और फीलिंग है. नहीं तो माँ, वो ऐसा क्यों कि उसको आप या तो गंगा जी में या यमुना में, ऐसी जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं उनमें ही ये विसर्जित की जाती है और उनको ही अपवित्र करते हैं. हाँ, वो तो ये तो सब, ये सब ब्राह्मण लोग ने निश्चित किया है कि एक ही जगह पे आए ताकि हम वहाँ बैठे हैं तो उनका भी काम हो और अपना भी काम हो. बाकी अभी तो लंदन में थेम्स रिवर में भी अस्थि विसर्जन की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ UK ने करके दी है और वहाँ होते हैं, अपने इंडियन लोग करते हैं. बोट में जाते हैं, बड़ी बोट बनाई, एक बेड उसके लिए स्पेशल स्पॉट बनाया है, वो बोट में जाते हैं, वहाँ जाकर अस्थि विसर्जन होती. लंदन के बहुत सारे महात्मा है, पूछो इन लोगों को, है ना कल्पेश भाई मोटा, थेम्स रिवर में व्यवस्था की है ना, अस्थि विसर्जन की व्यवस्था की है ना. हो बाकी एक छोटी सी छोटी काड़ी भी डालने का, रिवर में डालने का वहाँ लॉ है, अगेंस्ट लॉ है, फाइन है, लेकिन अस्थि विसर्जन के लिए व्यवस्था कर दी है. निर्मा पंडित जी सारे उधर आ जाते हैं, ये तो बहुत पैसे बनाने का मौका है, जब भी कोई मर जाता है ना तो ये दो. ठीक है, बच्चों की भावना है, भावना पूरी करो, लेकिन इतना तो समझदारी से करो कि भी ये उनको नहीं पहुंचता, वो तो गए. हाँ, उनके साथ जो जो राग द्वेष हुए हैं उसके हम प्रतिक्रमण करें, उससे बड़ा तर्पण ये दुनिया में दूसरा कोई नहीं है अपने बुजुर्गों के लिए. जय सच्चिदानंद. मन और आत्मा में दोनों में डिफरेंट क्या है? बहुत फर्क है, मन फिजिकल है और आत्मा तो चेतन है, आत्मा स्वयं परमात्मा है. और मन तो, मन में से तो कितने गंदे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, तो वह ये परमात्मा में ऐसे विचार नहीं हो सकते हैं, वो तो प्योर है. ये एक अपना पिछले जन्म में हमने कहा ना, एटम्स लेके आते हैं, चार्ज करके भर के आते हैं, उसकी ज़्यादा जिसके एटम्स आपने इकट्ठा किए उसकी ग्रंथियाँ बड़ी 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 होती जाती है और वो जब नेक्स्ट लाइफ में फूटती है तो उसमें से विचार आते हैं, वही मन है, फिजिकल है मन, बहुत ही स्थूल है आत्मा की अपेक्षा में, आत्मा सूक्ष्मतम है, वो परमाणु का बना हुआ है मन, और यहाँ ही खत्म होता है, नेक्स्ट लाइफ का दूसरा चार्ज किया और नेक्स्ट लाइफ में ले जाते हैं. और दूसरा प्रश्न है, मेरा बच्चा 12वीं साइंस में और उसको नींद बहुत आती है, तो क्या करें? बहुत नींद आती है, तो उसको थोड़ा एनकरेज करो, एक घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट थोड़ा आँखें को आराम दो और फिर वापस पढ़ो,
और शाम को खाना कम कर दो, खाना हमेशा दोपहर में, सुबह में, रात को जो खाते हैं वो खाने का प्रमाण आधा कर दो तो नींद कम हो जाएगी। थैंक यू। निरुमा नमस्कार। निरुमा, आपने अभी जो मन की जो बात भाई साहब ने पूछा ना, मन ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में दोनों में से एक में रहता है, पर ये कारण और सूक्ष्म में शरीर में, ये स्थूल शरीर में तो नहीं रहता है, तो सूक्ष्म और कारण में से कौन से शरीर में ये रहता है? यानी जो नेक्स्ट लाइफ में जाता है ना? नहीं, लेफ्ट साइड में तो दोनों शरीर जाते हैं, सूक्ष्म और कारण दोनों जाते हैं। सूक्ष्म बोले तो नहीं, उसको इलेक्ट्रिकल बोले, उसको तेजस शरीर कहते हैं। हाँ जी, दोनों को सूक्ष्म शरीर है, लेकिन तेजस शरीर और कारण शरीर ये दो जाते हैं, दोनों सूक्ष्म है। और मन है ना, तो नेक्स्ट लाइफ के लिए जाता है, वो कारण शरीर में से जाता है। और अभी हमारे पास जो है इस जन्म में मन, वो हमारे अंतस्करण में रहता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो सूक्ष्म है सभी। मन इन तीनों से थोड़ा सा स्थूल है, बुद्धि, चित्त, अहंकार से, लेकिन उसको सूक्ष्म में, सूक्ष्म ही कहा जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रतिक्रमण की पुस्तक में पेज नंबर 7 पर ये लिखा है, यदि ज्ञान नहीं लिया है तो शुद्ध आत्मा को संबोधन करके प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए, शुद्ध आत्मा को संबोधन करके प्रतिक्रमण करना चाहिए। और यदि ज्ञान नहीं लिया है तो जिस भगवान को मानते हो भगवान को संबोधन करके करना चाहिए। यदि हम ज्ञान नहीं लिया है और शुद्ध आत्मा को संबोधन करके प्रतिक्रमण करते हैं तो उससे कोई नुकसान है क्या? इसको जरा आप विशेष। नुकसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आप डॉक्टर नहीं है और आप मानने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ और दवा देना शुरू करें तो क्या फ़ायदा? तो ये क्या होता है कि आप शुद्ध आत्मा तो सिर्फ बुद्धि से देखते हैं और फिर मान लेते हैं कि हमको हो गया ज्ञान, तो फिर आपको आगे रियल ज्ञान होने के लिए बड़ा अंतराय होता है। अभी आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आगे जाके होगा, समझा है ना? तो ज्ञान लेने के बाद तो शुद्धात्मा देखो नहीं है, तो फिर अंदर भगवान ही है, वही सदृष्टि से मानो ना, तो भी एक ही का एक ही है, लेकिन उसको उसकी कल्पना का भगवान है। जब तक उसको ये नहीं समझता कि यह आत्मा वही परमात्मा है, वही रियल भगवान है, तब तक यह वो कर नहीं सकेगा। और दृष्टि खुलनी चाहिए, दृष्टि खुलने के बाद ही वो शुद्धात्मा स्वरूप देखकर कर सकता है प्रतिक्रमण। उसमें लिखा है कि जिस भगवान को आप मानते हैं उसको संबोधन करके आप पश्चाताप कर सकते हैं। हाँ, तो भी अपने श्रद्धा का जो भगवान है वो अपने लिए तो रियल ही है ना, जो भी क्यों ना हो, तो उसको संबोधन करके तो उसका फल मिलेगा आपको उतना। धन्यवाद। एक बहन शादी के कुछ वर्ष के बाद पर पुरुष के लिए आकर्षण हो गया, उसे मानसिक और शारीरिक स्तर पर, और इस प्रकार ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन है ये डेवलप होने से भी मन में गिल्टी फीलिंग होती, गिल्टी फीलिंग का निर्माण में, तो क्या यह ठीक है ना? उस व्यक्ति के साथ अकाउंट डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं? अभी इनका नाम नहीं है, लेकिन इसको डिस्चार्ज कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी भयंकर गलती है। ऐसा लेके चलो शादी के बाद, अगर पर पुरुष के साथ का डिस्चार्ज बोल के आपके मन को मना लोगे, शांत कर दोगे, तो गिल्टी फीलिंग बंद हो जाएगी। गिल्टी फीलिंग बंद होगी तो आप प्रतिक्रमण कैसे करोगे? इसको तो भयंकर हमने बताया ना, इसको इससे नर्क की गति मिलती है। तो खूब प्रतिक्रमण करो और उसमें से निकल जाओ। प्रतिक्रमण करने की रीत भी समझ लो पर्सनली आके, तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये भयंकर पाप है। देवदास डाकुर
कहते हैं माँ मैं ठाकुर से आया हूँ, मैं आपके लिए भगवान रणछोड़ जी की का प्रसाद लाया हूँ। अरे वाह लाओ लाओ, तो आप क्या स्वीकार करोगे? क्यों नहीं, भगवान का प्रसाद है। गोकुल थी सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर, गोकुल थी सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर, श्री रण छोड़ रायनु हृदय कमल हूँ जचू, श्री रण छोड़ रायनु हृदय कमल हूँ जचू। सबको बांट देना प्रसाद बाद में। शैदा आप भी खाना रणछोड़ जी का प्रसाद, फिर आप हमको मक्का मदीना का खिलाना।